ऑडियो जंगल। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। भागलपुर नगर निगम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बताते चलें, नगर निगम के स्थापना शाखा के बड़ा बाबू गौतम मलिक पर अस्थायीकरण को लेकर सभी कर्मियों से 1-1 लाख रुपए ठगने का निगम कर्मियों ने लगाया आरोप। गड़बड़ का प्रवास से जाते घूस दे रहे थे ना। हाँ, कब मांगा ये पैसा? कब मांगा? डेढ़ महीना हो रहा है पैसा देने से। कितने लोगों का पैसा मांग दिया? 64 में हम लोग हैं। 1-1 लाख रुपए का डिमांड किया था। क्या वो घूस मांग रहा था या फिर ऑफिस के काम के लिए मांग? हाँ, नौकरी कारण बोल रहा था। परमानेंट करेंगे, 1 लाख रुपया चाहिए हमको। क्या नाम है? कारोबारी। अभी एक मामला सुलझा नहीं था कि एक बड़ा आरोप। जी हाँ, बताते चलें, भागलपुर नगर निगम में विवादों का तांता सा लगा हुआ रहता है। एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा मुंह बाएं रहता है। कभी हड़ताल तो कभी हल्ला बोल, कभी प्रदर्शन तो कभी तालाबंदी। इसी बीच पैसे की लेन देन को लेकर भी एक विवाद सामने आ रहा है। तुम लोग को 1-1 लाख रुपए लगेगा। प्रभात सिंह को घर पे पहुँचाना है। 34 लड़का का 34 लाख होता है। क्या चीज का पैसा पहुंचाना है? परमानेंट करने का। आज जब हाईकोर्ट से हम आए, जब हम हाईकोर्ट से आए तो फिर पैसा कैसे देंगे? हम लोग 18-19 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं। तुम जिसके पास जाओ, अंतरी मंत्री नेता लीडर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हम जो चाहेंगे वही होगा। हम से काम कर रहे हैं। एक सेकंड, उसमें गौतम मलिक बोला। हम बोले गौतम मलिक को, इसमें तब मेयर साहब को भी देना पड़ेगा, इसी मेयर को भी देना। हम किसी बना देंगे, काम करेंगे हम ना। परमानेंट हम ना करेंगे। मेयर का मेरा मालिक है, परमानेंट हम ना करेंगे जी। वो तो पार्षद का मालिक है, वो मेरा मालिक ना है। मेरा मालिक है नगर है। पद पर परमानेंट करने के लिए और कहाँ काम कर रहे थे? भागलपुर नगर निगम दैनिक सफाई कर्मचारी। मेरा नाम कालीचरण नरी है। हम 34 लड़का 10% 20% कर्जा उठा करके हम गौतम मलिक को दिया। गौतम मलिक बोला जा प्रभात सिंह के घर से दिया। किस पद के लिए काम कर रहे हैं? दैनिक सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। अब हाईकोर्ट से क्या हुआ? हाईकोर्ट से हम डिसीजन लाए हैं, दिखाए हैं तो बता कि इसमें तो मेरा बेटा भी काम किया है, जबकि मेरा बाय डाटा इसमें सब 34 लड़का का नाम दिया है, वैल्यू नहीं दे रहा। क्या दिया हाईकोर्ट के डिसीजन में? ये तो पढ़ा लिखा भी जान सकता है ना, हम तो अपना पढ़े लिखा। क्या चाहते हैं अब? नगर निगम के स्थापना शाखा के बड़ा बाबू गौतम मलिक पर अस्थायीकरण को लेकर 1-1 लाख रुपए ठगने का निगम कर्मियों ने लगाया आरोप। जी हाँ, बताते चले, पिछले कई महीनों से घोटाले घपले के लिए चर्चा में रहा भागलपुर नगर निगम एक बार फिर अपने कारनामे को लेकर चर्चा में है। बता दें कि इसके पहले दुकान आवंटन को लेकर विवादास्पद निर्णय के बाद निगम के खर्चे से मेयर के पति के स्टाफ की सैलरी देने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि नगर निगम के स्थापना शाखा के बड़ा बाबू गौतम मलिक के कारनामों को लेकर चर्चा में है। दरअसल इस शख्स ने निगम में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत 34 कर्मियों से अस्थायीकरण के नाम पर 34 लाख रुपए वसूल लिए। ऐसा आरोप विभाग में कार्यरत कालीचरण और उनके साथियों ने लगाया है। इन कर्मियों का आरोप है कि हाईकोर्ट द्वारा 2016 में 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को योग्यता व आरक्षण के आधार पर उनकी अस्थायी नियुक्ति का फैसला सुनाया गया था। इसी बीच गौतम मलिक ने इन कर्मचारियों को झांसे में लेकर 1-1 लाख रुपए लेकर अस्थायीकरण का भरोसा दिया था। अब इन कर्मियों का आरोप है कि पैसे के लेन देन के बाद गौतम मलिक टाल मटोल कर रहे हैं, कोर्ट के कानूनी अड़चनों की दलील दे रहे हैं। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।